हेलो गाइज देखुंट धरित्री लाइव मुझे देवी प्रसाद आपको वेलकम करुच्ची स्पोर्ट्स राउंडअप रोटे नुआ एपिसोड को आज एपिसोड रे आम जाना स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सनालीटी विषय में अधिक किसी सहित क्रीडा जगत में कौन सब अपडेट्स आसी बाबद भी जानवा सो जमा भी लेट नक आरंभ करवा आज एपिसोड तबे आज एपिसोड रे आमे देखिबा आज होची बीसीसीआई सभापति सौरभ गांगुली जन्मदिन कोविड कटकणा सह बिना दर्शक रे केउठी आरंभ होची टेस्ट मैच पीवी सिंधु निज फिटनेस पई कोन सब करंती महेंद्र सिंह धोनी को प्रथम रोजगार कोन थिला एवं शेषरे देखिबा आईपीएल पई केउ केउ देश आग्रह प्रकाश करिछंती। आज 48 वर्ष बयसरे पाद देइछंती सौरभ गांगुली 1972 मसीहारे कोलकातारे जन्मग्रहण करिथिले सौरभ गांगुली से भारतीय क्रिकेटर दादा भावे अति परिचित भारतीय क्रिकेटर जणे सफल अधिनायक भावे से क्रिकेट प्रेमींकर अति प्रिय आसंतु तांको जन्मदिनरे तांको विषयरे अधिक किछि जानिबा। पिलाटी दिनरु तांकर फुटबॉल प्रति बहुत दुर्बलता रहिथिला तेबे तांको बड़ भाईक द्वारा से अनुप्राणित होई क्रिकेट खेलिबा आरंभ करिथिले। भारतीय क्रिकेट दलर सबुठारु सफल अधिनायक मानक मध्यरे सौरभ गांगुली नाम रहिछि। तांको अधिनायकत्वरे खेलाळी माने विदेशी माटीरे जितिबा पई आत्मविश्वास लाभ करिथिले। नाटवेस्ट ट्रॉफी हेउ कि 2004 रे पाकिस्तान विपक्षरे ऐतिहासिक विजय एथिपई सौरभ गांगुली श्रेय दिया जाए। से 1996 मसीहारे टेस्ट दलरे भारत पक्षरु प्रतिनिधित्व करिथिले। एहापरे से दिनिकिया क्रिकेटरे मध्य निजर पारिबापणिया देखाई पारिथिले। सहारा कपरे से लगातार 4 मैच रे मैन ऑफ द मैच जीतिथिले। सचिन को परामर्श क्रमे तांकु टीम इंडियार नेतृत्व भार दिया जाइथिला। एहरी मध्यरे 2003 मसीहारे से विश्वकपरे भारतीय दलर नेतृत्व नेइथिले। तांको अधिनायकत्वरे भारत सेही विश्वकपरे रनर्स अप होई पारिथिला। 2004 मसीहारे तांकु पद्मश्री सम्मानरे सम्मानित करा जाइथिला। एहा सह से पश्चिम बंग सरकारक द्वारा बंग विभूषण सम्मानरे सम्मानित होइछंती। 2015 मसीहारे से बेंगल क्रिकेटर सभापति होइथिले। चलित थर संघर निर्वाचन रे जीति लगातार द्वितीय थर पई संघर सभापति निर्वाचित होइथिले। वर्तमान से बीसीसीआई रो नुआ सभापति होइछंती। सारा विश्व एवं कोरोना महामारी सह युद्ध लड़ुची। कोरोना कारणरु गत 3 धरी क्रिकेट जगत खाली पड़ा। समस्त प्रकार क्रिकेट को आईसीसी बातिल कर दीथिला। एबे पुणी थरे दीर्घ दिनर व्यवधान परे कोविड कटकणा सह पड़िया को फेरी क्रिकेट। इंग्लैंड एवं वेस्ट इंडीज क्रिकेट दल मध्यरे आजिठारु टेस्ट सीरीज आरंभ हो सारी। कोरोना कटकणा भितरे एही सीरीज खेला जाउथिबा हेतु सारा विश्वर क्रिकेट प्रेमींक नजर एबे एही सीरीज उपरे रहिछि। इंग्लैंड एवं वेस्ट इंडीज मध्यरे हेबाकु थिबा एही क्रिकेट सीरीज 8 जुलाई रु आरंभ होई 28 तारीख पर्यंत चलिबो। जहां मध्यरु दुई दल तीनोटी टेस्ट रे मुहांमुही हेबे। अन्यपटे एही सीरीज रे मध्य अनेक प्रकारर कोविड गाइडलाइन पालन करा जिवो। कोनोसी खेलाळी हात मिलाई पारिबे नाही किंबा बॉल रे पाटीर लाळ लगाई पारिबे नाही बोली आईसीसी पक्षरु कहा जायछि। संपूर्ण कोविड कटकणा भितरे एही मैच टी खेला जिवो। बैडमिंटन खेलाळी भावरे सारा विश्वरे परिचय सृष्टि करिछंती पीवी सिंधु। पीवी सिंधुंक प्रतिभा पई पूरा देश आज गर्वित। 1995 हैदराबाद रे जन्मित सिंधुंक सफलता पछरे तांक फिटनेस रहिछि बोली से निजे कहिछंती। आसंतु जानिबा सिंधु किभळी भावरे एमिति फिट रहउछंती। सिंधु खूब कठिन फिटनेस प्लान फॉलो करती। भोर 3:30 रे से उठंती। कोच गोपीचंद सहित 4:30 रु 7:00 पर्यंत अभ्यास करती। सकाळ 7:00 विरति नहीं से जलखिया खाई 8:00 द्वितीय सेसन अभ्यास आरंभ हुए। 10:00 बेलू ता शेष हुए। पुणी 11:00 से अभ्यास आरंभ करी जहाँकि 12:00 पर्यंत चले। दिन गोटे रे से मध्यान भोजन खाई संध्यारे से जिम जीवा सहित दौड़ी था। न दौड़े वर्कआउट रुटीन पूरा होना बोली से कहते। खाद्य से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बालान्स करती। मसकू थे से बाहर खाद्य खाई। महेंद्र सिंह धोनी मंगलवार 39 वर्षरे पदार्पण करिछंती। बड़ क्रिकेटर हेबा लागि तांकु खूब संघर्ष करिबाकु पड़िथिला। महेंद्र सिंह धोनी आरंभरु क्रिकेट प्रति आग्रह प्रकाश करिनथिले। से विद्यालय स्तररे फुटबॉल दलर गोलकीपर थिले एवं एही क्षेत्ररे आगकु बढ़िबाकु चाहुथिले। धोनी षष्ठ श्रेणी में पढ़ुवा बेले स्कूल क्रिकेट दल में हठात जड़े विकेट कीपर आवश्यक पड़ता। सेतबेले क्रिकेट प्रशिक्षक तांको गोल कीपिंग देखिले धोनी को उपरे से बहुत प्रभावित होते। से ही विकेट कीपिंग दायित्व तुलाई पारे भाव
ଭାବି ତାଙ୍କୁ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଗ୍ରହ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୋନି କିପିଂ ଶିଖି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଧୋନିଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ ଜୀବନ। ଏହାପରେ ସେ ମେକନ୍ କ୍ଲବ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେ ବେତନ ଭାବରେ 625 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରୋଜଗାର ଥିଲା। ଏହାପରେ ଧୋନି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କୋଲଫିଲ୍ଡସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କ୍ଲବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର 2000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ୟୁଏଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବା ଆଇପିଏଲ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏ ନେଇ ବିସିସିଆଇର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବରରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍ଥଗିତ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା ନିକଟତର ହେଉଛି, ଫଳରେ ଆଇପିଏଲ୍ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ଶେଷ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ବିସିସିଆଇର ନଜର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଛି। ଭାରତରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ବିସିସିଆଇ ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁବ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ-19 ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗକୁ ବିସିସିଆଇ ଆଇପିଏଲ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ୍ରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଦୁନିଆର ଆଉ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। We'll be right back.